केंद्र सरकार की तरफ से विवेक अग्रवाल जॉइंट सेक्रेटरी सीईओ पीएम किसान कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से चिट्ठी हमें आई थी, उन्हें को हम जवाब दे रहे हैं। सब्जेक्ट, संयुक्त किसान मोर्चा की भारत सरकार से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्तालाप, ये सब्जेक्ट है महोदय। यह आपके 20 दिसंबर 2020 के उस पत्र के जवाब में है जो क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के श्री दर्शन पाल जी को संबोधित है, जिसमें सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे 39 अन्य साथियों को भी कॉपी किया गया है, ये चिट्ठी उन्होंने भेजी। पॉइंट 1, हमें अफसोस है कि इस पत्र में आपने पूछा है कि हमारा पिछला पत्र केवल एक व्यक्ति का मत है या कि सभी संगठनों का यही विचार है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर दर्शन पाल जी के नाम से भेजा गया पिछला पत्र और यह संयुक्त पत्र संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन में शामिल सभी संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बनी राय है। इसके बारे में सवाल उठाना सरकार का काम नहीं। पॉइंट 2, हमें बहुत दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के अन्य कई प्रयासों की तरह आपका यह पत्र भी किसान आंदोलन को नित नए तरीके से बदनाम करने का प्रयास है। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत सरकार पूरे देश के किसानों के शांतिपूर्ण जमीनी और कानून सम्मत संघर्ष को अलगाववादियों और चरमपंथियों के रूप में पेश करने, सांप्रदायिकतावादी और क्षेत्रीय रंग में रंगने और बेतुका और तर्कहीन शक्ल में चित्रित करने की कोशिश करती रही है। सच यह है कि किसानों ने साफ गोई से बात की है, लेकिन सरकार की तरफ से इस वार्ता में तिकड़म और चालाकी का सहारा लिया गया है। इसके अलावा सरकार तथा कथित किसान नेताओं और ऐसे कागजी संगठनों के साथ समानांतर वार्ता आयोजित कर इस आंदोलन को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है, जिनका इस चल रहे इस आंदोलन से कोई संबंध ही नहीं है। आप प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रहे हैं मानो वो भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह ना होकर सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। सरकार का यह रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। पॉइंट 3, बस थोड़ा सा ही और है। हम हैरान हैं कि सरकार अब भी इन 3 कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क समझ नहीं पा रहे, क्योंकि चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि आप कह क्या रहे हो हमें पता नहीं लगा। किसानों के प्रतिनिधियों ने 3 केंद्रीय कृषि अधिनियमों की नीतिगत दिशा, दृष्टिकोण, मूल उद्देश्यों और संवैधानिकता के संबंध में बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए इन्हें निरस्त करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने चालाकी से इन बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों की मांग के रूप में पलट के पेश करना चाहा है। हमारी कई दौर की वार्ता के दौरान सरकार को स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऐसे संशोधन हमें स्वीकार नहीं है। 5 दिसंबर 2020 को सरकार के संशोधन के मौखिक प्रस्ताव को खारिज करने के बाद हमें बताया गया था कि सरकार के साथ ऊपर चर्चा के बाद ठोस प्रस्तावों को हमारे साथ साझा किया जाएगा। हमें आज तक इस तरह के कोई नए ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। आप जानते हैं कि आपने 9 दिसंबर 2020 को जो लिखित प्रस्ताव भेजे थे वो 5 दिसंबर की वार्ता में दिए गए उन्हीं मौखिक प्रस्तावों का दोहराव भर है जिन्हें हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि आपके प्रस्ताव में अनिवार्य वस्तु संशोधन कानून का जिक्र तक भी नहीं है। हम फिर साफ कर दें कि हम इन 3 कानूनों में संशोधन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें पूरी तरह निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ये तो 3 उसके बारे में है। इन 3 कानूनों के अलावा आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो प्रस्ताव भेजा है उसमें ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप वर्तमान, ये सरकार की भाषा है, वर्तमान खरीद प्रणाली से संबंधित लिखित आश्वासन
का प्रस्ताव रख रहे हैं, जबकि किसान संगठन, राष्ट्रीय किसान आयोग जिसको स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि C2+50% पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। जब आप ऐसे कानून का ड्राफ्ट भेजेंगे तो हम बिना विलंब के उसका विस्तृत जवाब जरूर देंगे। 5, इसी तरह विद्युत अधिनियम में बिजली वाला जो कानून का ड्राफ्ट है उस पर आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है और बिजली बिल भुगतान तक सीमित है। जब तक आप इस ड्राफ्ट में क्रॉस सब्सिडी को बंद करने के प्रावधान के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करते तब तक इसका जवाब देना निरर्थक है। वायु गुणवत्ता अधिनियम पर उचित प्रतिक्रिया का आश्वासन इतना खोखला है कि उसका जवाब देना हास्यास्पद होगा, कुछ है ही नहीं। लास्ट पॉइंट, और ये सबसे ऑपरेटिव पॉइंट है, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नियत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। आखिरी लाइन दोबारा दोहरा देता हूं मैं, आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। ये जवाब देखिए, जब 5वें राउंड कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा हो रही थी लंच के बाद, वो ये जानना चाहते थे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। हम केवल प्रॉब्लम जानना चाहते हैं, तो हम लोगों ने बड़े मन के साथ मैं कहा कि ना हमको जब ये कानून चाहिए नहीं तो क्यों बताए प्रॉब्लम, पता हमारे प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक पूरे कानून में एक बात पूरी रूप से है कि ये कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर में प्रवेश कराने का एक षड्यंत्र है। तो कुछ चर्चाएं हुई कुछ बिंदुओं पर, ठीक आखिरी राउंड जब अमित शाह जी के साथ हुआ तब ये चर्चा है, उन्होंने कहा कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो उनसे दोनों का हम लोग कि हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों काले कानून है, किसानों की जैत का फरमान है, इसको कैंसिल करिए आप। ये हमारे लोगों ने सब 13 लोगों की कमेटी की मीटिंग के साथ कहा, उन्होंने फिर भी कहा कि देखिए हम कुछ प्रपोजल भेजते हैं, अब आपको प्रपोजल भेजना है तो स्वागत है भेजिए, मगर हमको तो एक काले कानून तीनों को कैंसिल करना है। उनका प्रपोजल आया इसी के आसपास की 4-5 राउंड में क्या बातचीत हुई, क्या क्या संशोधन चाहते, हम संशोधन जब चाहते ही नहीं है। ये सबसे पहले अमेरिका में US में कानून लागू हुआ, अब वहाँ केवल एग्रीकल्चर 2% रह गई है, उसकी स्टडी करें, वहाँ का किसान भी सुसाइड कर रहा है, वहाँ 5,616 बंद हो गए, गाँव उजड़ गए, गाँव के गाँव शहरों में आ गए, बेरोजगार लोग हो गए, जमीनें वहाँ की अधिकांश नीलाम हो गई, केवल बड़े किसान बचे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर हो गए। तो ये पूरे देश को मजदूर बनाने की एक बड़ी भारी योजना है, इसलिए हमको ये तीन कानून नहीं चाहिए। आप इन्हें निरस्त कर दें और सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिद छोड़े अन्नदाता, सबको पर कड़ती ठंड पड़ा हुआ है, ये हमारी मांग है। MSP पर कोई चर्चा 5-6 राउंड में हो नहीं पाई है, MSP एक बड़ा विषय है, समर्थन मूल्य भी उस पर भी चर्चा होना है। तो सरकार से इधर अनुरोध है, पत्र जा रहा है कि बड़े मन के साथ वो किसानों को बुलाएं और MSP सहित 3 कानूनों को तत्काल निरस्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, चीफ जस्टिस साहब ने भी सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि अगर ये 1 साल के लिए सस्पेंड करके अच्छा माहौल बनाकर वार्ता की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे। सरकार को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना, और अच्छे माहौल में ही वार्ता हो पाएगी, डायलॉग से निश्चित तौर से समाधान निकलेगा।
सर, आपने अमित शाह जी के बारे में बात किया और आपने बताया 8 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी, आपने उनसे बोला कि एमएसपी पर सारी खरीद होनी चाहिए, तो आपने बताया कि खरीदना और बताना ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो आप ये बोल रहे हो कि अमित शाह जी ने उस समय मना कर दिया, हम खरीद नहीं सकते हैं, तो क्या वो मैं ये मानूं या हम लोग ये माने कि सारे क्रॉप्स के लिए उन्होंने मना कर दिया या कोई स्पेसिफिक कोई फसल थी जिसके बारे में उन्होंने बोला? क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर उन्होंने आप लोग से मीटिंग में ये बोल रहे हैं कि हम खरीद नहीं सकते केवल अनाउंस करेंगे, तो इसका मतलब हम क्या माने सर? इसको थोड़ा सा सर देखिए, हमने उनसे कहा था कि 23 फसलों का आप एमएसपी तय करते हैं, 23 फसलें जितनी पूरे देश में पैदा होती है क्या आप वो सभी एमएसपी पे खरीदोगे? 23 उन्होंने कहा नहीं खरीदेंगे। कितनी खरीदोगे? उन्होंने कहा जैसे पहले खरीद रहे हैं। जैसे पहले खरीदने का मतलब है कि हरियाणा और पंजाब से धान और गेहूं केवल 2 फसलें खरीद रहे हैं और बाकी नाम मात्र खरीदते हैं। कितनी पीडीएस में जरूरत होती है, जैसे मक्का सारे देश में नहीं खरीदा, जैसे चना 25% खरीदा, जैसे बाजरा थोड़ा सा खरीदा और बाकी प्रदेशों में तो बिल्कुल नहीं खरीदा। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश में धान बिका है 1100-1200, उत्तराखंड का यही हाल है, बिहार का यही हाल है और कोई भी फसल, यानी आंकड़ा कुल मिला के ये बताता है कि 6% के करीब फसल, और 6% के करीब फसल जो हमारा कुल उत्पादन है उसका एमएसपी पे खरीद रहे हैं। और उसको जो है हम ये कह रहे हैं, हमारा आंदोलन ये है कि वो 6% में 100 किलो में अगर 6 किलो खरीद ली, 10 किलो भी खरीद ली, तो क्या मतलब हुआ एमएसपी का? वो जो घाटा हमें हो रहा है वो हमारे टोटे का कारण है, वो हमारी कर्जे का कारण है। भाई 100 किलो हमने पैदा किया तो 100 किलो ही आप खरीदिए, 17 लाख करोड़ का माल हमने पैदा किया तो 17 लाख करोड़ का आप खरीदिए, उसमें ये ना हो 17 लाख करोड़ के हमारे पास 12 लाख करोड़ बने। जी मौखिक बयान है, मौखिक जो हमारे सवाल जवाब हुए उसकी बात कर रहा हूँ, और अब भी वो अगर सच्चे है तो अनाउंस कर दे। सर सीधा एक सवाल ये है कि जो 20 तारीख को चिट्ठी आई है, अब आप इसके बाद नहीं जाएंगे, आपने तय किया या नया प्रस्ताव सरकार देगी तब आप जाएंगे? थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं। हमने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है, आखिरी पैरा क्या कहता है, एग्जैक्टली ये कहता है हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमेशा रहे, हमारे साथियों ने बताया हम तैयार हैं। आप इसके बारे में कोई कंक्रीट, सिर्फ वो जो संशोधन के प्रस्तावों को दोहराने की बजाय आप कोई कंक्रीट प्रस्ताव भेजो, हम उस पर रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हैं, हमारी तरफ से नहीं है। एक बात, ये जो सॉरी एक सवाल और इनका था, सरकार जो है ये चिट्ठियां लिखने का सिलसिला उन्होंने केवल इसलिए शुरू किया है ताकि सारे देश को गुमराह किया जाए, वरना ये बातें सभी तो उनकी 5 मीटिंगों में यही तो डिस्कस हुआ, और उस डिस्कस को उन्होंने अलग रख के चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी और वो मीडिया में बोलना शुरू कर दिया, वो केवल इसलिए है कि पूरे देश को गुमराह किया जाए कि देखो किसान हमारी बात नहीं मान रहे। इन साथियों ने भी पूछा था कि आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, आपके सामने आपके सामने लोग बैठे हैं, इनमें से कितने कॉमरेड हैं? आप पत्रकार हैं, आपको इतना तो पता होगा, ग्रेवाल साहब पंजाब के आदमी हैं, पंजाब की 30 जथेबंदियों में से कितनी लेफ्ट की हैं उनको पता होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कमरे के अंदर की, उस कमरे के अंदर ये शायद कितनी मीटिंग हुई मैं तो गिनती नहीं कर सकता, आज तक किसी भी मीटिंग में एक भी बंदे ने लेफ्ट नॉन लेफ्ट कॉमरेड एंटी कॉमरेड किसी ने नहीं कहा है कि 3 कानूनों को निरस्त करने के अलावा किसी चीज पे विचार किया जाए, एक बंदा नहीं बोला है उस मीटिंग में आज तक। मैंने जो अपनी आंख कान से सुनी, हमारे सारे साथी हैं,
एक बंदे ने नहीं कहा है कि संशोधन पे विचार कर लेना चाहिए। बिल्कुल सर्वसम्मत राय रही है कानून निरस्त हो, रिपील हो, इससे कम पे बात नहीं हो। योगेंद्र जी, एक सवाल है, आपने कहा कि सरकार जब तक कॉन्क्रीट कोई प्रस्ताव नहीं भेजती है तब तक आप बात नहीं करेंगे। कॉन्क्रीट प्रस्ताव का मतलब क्या कि रिपील से मंजूर कुछ भी नहीं है, रिपील के लिए अगर बुलाएंगे तब आप जाएंगे बैठक के लिए? आप जी हमारे दोस्त, पहले सवाल उन्होंने पूछा है, लेटर बिल्कुल साफ साफ लेटर ये नहीं कह रहा हम बात नहीं करेंगे। दिक्कत ये है कि गैंद सरकार के पाले में पड़ी है, वो करना कुछ चाहती नहीं है, वापस किसी तरह से हमारे पाले में फेंकने की कोशिश कर रही है। इस चिट्ठी में हम सिर्फ सरकार को याद दिला रहे हैं कि गैंद आपके पाले में पहले भी थी, आज भी है, कुछ कर लो ना। 5 तारीख को उन्होंने हमारे को मौखिक रूप में सब बातें कही, हमने वही खारिज कर दिया, कहा इसमें तो बात ही नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ठीक है हम हायर अप के पास जाएंगे, फिर आपके पास ठोस प्रपोजल भेजेंगे। वो ठोस होके 9 तारीख को एग्जैक्टली वही बातें दोबारा लिख दी जो 5 तारीख को ना करके आए थे, जिस पे चर्चा हो ही नहीं सकती है। और आज हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप उसी 5 तारीख वाली बातों को अगर दोहराओगे तो वो तो कोई कॉन्क्रीट बात ना हुई। आप कोई कॉन्क्रीट चीज भेजो, हम बातचीत के लिए खुशी से तैयार हैं। सर हम तो अपनी तरफ से कॉन्क्रीट कह चुके, अब तो सरकार को कहना हमने क्या कॉन्क्रीट कहा। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि भाई आप जो हमें गिफ्ट दे रहे हो ये हमें मंजूर नहीं है। इतना तो हक होना चाहिए गिफ्ट लेने वाले को कि हाथ जोड़ के कह सके कि आपकी गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए। और मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, हमें किसान को दान नहीं चाहिए, दाम चाहिए। हमारी फसलों की रेम्यूनरेटिव प्राइस जो कि आपके सरकार के कमीशन ने तय की है, उसकी हमें लीगल गारंटी चाहिए, जो कि मोदी जी ने 2011 में वायदा किया था, मांगा था। बस ये चाहते हैं, सरकार इसके ऊपर कुछ भी मीनिंगफुल चीज कहे, हम आगे एक वो सरकार एक कदम बढ़े, हम 2 कदम बढ़ने को तैयार है। खाली लव लेटर लिखने से काम सर, रिपीलिंग द लॉ इज आल्सो देयर ना सर। सर लॉ को भी तो खत्म करने की डिमांड है। भाई भाई बैक तो पीछे मैं फिर स्पष्ट कर दूं, किसी किस्म के अमेंडमेंट का प्रपोजल हमने कभी नहीं दिया है। सरकार ने चालाकी से पहले हमसे कहा, अच्छा आपको प्रॉब्लम क्या है, आप कह रहे हो रिपील कर दो, हमें बताओ प्रॉब्लम क्या है। हमने गिना दी 10 प्रॉब्लम ये है। उन्होंने कहा किसानों ने हमसे 10 अमेंडमेंट मांगे, कभी नहीं मांगे हमने, कोई 10 अमेंडमेंट नहीं मांगे सरकार से, 2 अमेंडमेंट नहीं मांगे। हमने कहा आप इसे रिपील करो, उसके ये ग्राउंड है। अब उन्होंने कहा किसानों ने अमेंडमेंट मांगे, देखो हमने ये मान लिया। ऐसा कोई प्लान बी ना हमारे पास है, ना हम रखना चाहते। हम यहाँ पे फतह करने के लिए आए। सर आपने बोला कॉन्क्रीट प्लान का। सर आप मेरे को बताओ कॉमन सेंसिकली, जो बंदा कहे कि तेरे को मेरी गिफ्ट लेनी पड़ेगी वो जिद्दी है, जो दूसरा हाथ जोड़ के कह रहे जी मेरे को आपकी गिफ्ट नहीं चाहिए वो जिद्दी, आप बताओ। सर आपने बोला कॉन्क्रीट प्रपोजल के बारे में, कॉन्क्रीट प्रपोजल अगर प्रपोजल होगा तो वो प्रपोजल एक तरीके से फॉर्मेट में होगा, हम कॉन्क्रीट प्रपोजल को यस और नो में ही माने, सरकार आपको यस या नो में ही जवाब दे तभी होगा ना सर। सर सरकार का कॉन्क्रीट प्रपोजल क्या हो ये मैं बताने वाला कौन होता हूँ, हमने तो अपनी बात बिल्कुल क्लियर उनको कह दी। अब उसके बाद अगर वो कच्चा दे देगी, सिर्फ उसी बातों को बार बार घुमाए, उसको घोटाए, तो ये तो कोई कॉन्क्रीट बात नहीं हुई ना। उन्होंने हमें प्रॉमिस किया, जब मौखिक बात हुई, मौखिक बात पे हमने ना कर दी, उन्होंने कहा ठीक है हमें समझ आ गया, अब हम हायर अप के पास जाएंगे और आपके पास कोई कॉन्क्रीट चीज लेके आएंगे। वहां जाके भी वही चीज दोहरानी थी, तो हम यही कह रहे हैं उसकी रिपीटेशन ना करो, आप कुछ कॉन्क्रीट लेके आओ। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।